वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th सब्जेक्ट SST ज्योग्राफी पार्ट चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पार्ट नंबर 14। नाउ वी डिस्कस टॉपिक इज मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। हम आज क्लाइमेट वाले चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक है इसका डिस्कशन करेंगे कि मानसून हमारे को एक देश में एक यूनिफाई कैसे करता है। यूनिफाइंग माने एकता या यूनिट करना, एक करना, संगठित करना। बाउंड बॉन्ड, बॉन्ड माने एक तरह से बांधता है कि पूरे देश को जो हमारा जो मानसून है, जो इंडियन जो मानसून है, वे हमारे पूरे देश को एक किस प्रकार से एकता का परिचायक है, एकता में बांधता है, कैसे इसको यूनिफाई करता है। ऐसी कौन कौन सी जो फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन मानसून की, ऐसी कौन कौन सी जो फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो मानसून के आधार पर हमको एक यूनिफाइड कर रहा है या हमको बांध रहा है, एकता का परिचय दे रहा है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एट फर्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक्स देखते हैं जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारा जो भारत का जो एक भौतिक जो फीचर्स है, भौतिक जो स्वरूप है, ये भौतिक स्वरूप एक अन्य देशों से बड़ा ही भिन्न है, डिफरेंस है। क्योंकि जैसे हमारे फिजिकल जो फीचर्स है, जैसे नॉर्थन में हिमालय माउंटेन्स है, उसके सदर्न पार्ट में प्लेन्स है, अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो डेजर्ट्स है, ईस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो हिली एरियाज हैं, सदर्न पार्ट में देखते हैं सदर्न वेस्ट और सदर्न ईस्ट में तो कोस्टल एरियाज है, प्लेटूज है हमारा और आइलैंड्स जो है। तो इस प्रकार से हमारे फिजिकल जो फीचर्स है वे बड़ी ही डायवर्सिटी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन जो हिमालय माउंटेन्स है, वे हिमालय माउंटेन्स हमारे इंडिया में एक गार्ड के रूप में काम करता है। जैसे हमारा जो अगर हम हिमालय माउंटेन्स को देखते हैं तो ये एक गार्ड के रूप में काम करता है। क्योंकि सेंट्रल एशिया से जो आने वाले कॉल्ड विंड्स हैं, उस कॉल्ड विंड्स को या प्रोटेक्शन का काम करता है, उनको रोकता है। जो सेंट्रल एशिया से जो कॉल्ड विंड्स आती है उनको रोकता है। यही कारण है कि जो हमारा जो एरिया है एक हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर सिचुएटेड है, फिर भी यहाँ हमारा टेम्परेचर जो है हाई रहता है। हमारा जो भारत है जो हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर स्थित है, उच्च अक्षांश पर है, जैसे देखते हैं कि 8 डिग्री से यहाँ पर 37.6 मिनट तक, जैसे इसकी नॉर्थ में है 37 डिग्री और 6 जो मिनट है, 37 डिग्री से 6 जो मिनट है लैटिट्यूड से नॉर्थ है। तो हाई लैटिट्यूड होने के कारण भी हमारा भारत इतना ठंडा नहीं है, जबकि बहुत ही कोल्ड होना चाहिए। लेकिन जो कोल्ड विंड्स जो बढ़ रही है, हमारे जो पोलर जो विंड्स आ रही है, उनको यानी कि जो हिमालय माउंटेन्स है जो एक गार्ड्स के रूप में काम करता है, इसलिए नॉर्थन जो पार्ट है हमारे इंडिया का, फिर भी हमारा वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है। ये एक बड़ी इसकी हमारी विशेषता है। इसके बाद द पेनिनसुलर प्लेटू हैज अ मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ऑफ थ्री साइड। जो हमारा इंडिया है इसकी थ्री साइड पानी है, वाटर है। जैसे अगर हम देखते हैं कि इंडिया के अगर ईस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो अरबन सी है, और सदर्न पार्ट में देखते हैं इंडियन ओशियन है। तो इंडिया जो हमारा एक पेनिनसुलर जो है, एक जो प्रायद्वीप जो पठारी रूप है, द पेनिनसुलर प्लेटू हैज अ मॉडरेट, उस टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। किसके कारण? ड्यू टू द थ्री साइड्स ऑफ द सी।
तो अभी भारत के तीन ओर से पानी है, हमारे भारत जैसी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, और अदर किसी कंट्री की नहीं मिलती है, बहुत ही सुंदर हमारे इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ट्रीसेंट पानी है। इसलिए जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटी है, वे न तो अधिक वार्म होता है और न अधिक कूल होता है, वहां का जो टेम्परेचर है मोस्टली यानी कि इक्वल से रहता है हॉट सीजन में और समर सीजन में, सर्दी और गर्मी के सीजन में वहाँ टेम्परेचर इक्वल रहता है, इसलिए वहां पर बड़ा ही सम मौसम रहता है और अच्छी क्लाइमेट्स है। तो ये ऐसी जो हमारे मानसून की ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो हमको एक मानसून का आधार हमको यूनिफाई करते हैं, तो हमको एक यूनिफाई का एक परिचय देते हैं। द मानसून यूनिट्स द लैंड बिकॉज इट प्रोवाइड ए रिदम द साइकिल ऑफ सीजन। ये भी है हमारे कि मानसून के आधार पर द मानसून यूनिट, मानसून हमें इस प्रकार से भी यूनिट करता है, यूनिफाई बॉन्ड करता है कि द लैंड बिकॉज इट द प्रोवाइड द साइकिल ऑफ द सीजन। हमारे जो सीजन है उन सीजनों का भी एक साइकिल चलता है, एक चक्र है हमारे सीजन का, चक्र है। जैसे पहले हॉट सीजन है, पहले जैसे हॉट सीजन है, हॉट सीजन के बाद में हमारे हॉट सीजन होगा, हॉट सीजन के बाद में हमारा रेनी सीजन आएगा, रेनफॉल आएगी, रेनी सीजन के बाद में कुछ समय फिर हमारा आपका विंटर सीजन होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सीजन है, सीजन का भी एक साइकिल चलता है, चक्र होता है, जिससे जो हमारी एक्टिविटीज है वे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या अदर एक्टिविटीज हो, उसको भी हम एक हमारे सीजन के अकॉर्डिंग उसको चेंजिंग करते रहते हैं। जैसे विंटर के अनुसार विंटर में जैसे उसका हमारा क्या कह सकते हैं फूड है, खाने का फूड ग्रेन्स ले लीजिए, या हमारे जो क्लॉथ ले लीजिए, पहनने वाले कपड़े ले लीजिए, या कोई फेस्टिवल से उसमें लीजिए। तो क्या है कि हमारे जो ये लैंड है, जो मानसून है, हमको जो सीजन का भी एक साइकिल बनाता है, एक चक्र बनाता है, एक उसका एक टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे हॉट सीजन बाद रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन, इस प्रकार से उसका सीजन एक चलता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्टिविटीज को करते हैं। द वेजिटेशन एनिमल्स लाइफ एंड द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द मानसून। ये भी ठीक है, तो मानसून के पीछे किस प्रकार से हम घूम रहे हैं और मानसून कैसे हमको एक यूनिफाई कर रहा है, कि जैसे हमारा वेजिटेशन है, वैसे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल प्लांटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन वाले में। तो जैसे वेजिटेशन है हमारी, जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स लाइफ है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, सभी ये मानसून के चारों ओर रिवॉल्विंग करती है, रिवॉल्विंग मतलब घूमती है, कि जो हमारा मानसून है, जो मानसून क्या है, जो विंड्स है, तो मानसून के विंड्स के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या क्या एक्टिविटीज भी उसके अकॉर्डिंग होती है, चाहे हमारा प्लांटेशन हो, जैसे रेनफॉल के बाद में मोस्टली प्लांटेशन ग्रोइंग हो जाते हैं, उगने लग जाते हैं, सभी जीव जंतु रहने सीजन आने के बाद में सबको पानी मिल जाता है, एक तरह से अपना अच्छा महसूस करते हैं, और फॉरेस्ट हाईवे एक हरा भरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा एक प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है, जो हमारा एक प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है जिसमें मोस्टली 2/3 पॉपुलेशन आर एंगेज, जिसमें लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एंगेज है। तो एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज की शुरुआत होती है, हमारे जो फार्मर्स हैं खेती करना शुरू कर देते हैं मानसून आने के बाद में, कि हम खेती करेंगे कौन सी क्रॉप, वो एक नई सा यानी कि उमंग होता है। तो इस प्रकार कहते हैं एक्टिविटीज आर द रिवॉल्विंग अराउंड द मानसून, तो ये सभी मानसून के इर्द गिर्द ही रिवॉल्विंग करते हैं, यानी कि ये मानसून के चारों ओर ये घूमते हैं, ये चारों ओर इस प्रकार से घूमते हैं। जैसे जैसे अगर हम देखते हैं कि मानसून वाले में, जैसे अगर विंड्स जो हमारी है, ये विंड्स के अलग अलग सीजन के अलग अलग ड्रॉइंग करती हैं। जैसे अगर हॉट सीजन है, तो हॉट सीजन जो हमारी ट्रेड विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट की ओर ब्लोइंग होती है, जो बड़ी
आपके जो मॉइस्चर लेकर पानी आती है और उसके प्रकार से हमारा रेनफॉल करती है। उसी प्रकार से अगर हम विंटर सीजन से देखते हैं तो हमारी जो जो पोलर विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है, वे उसकी डायरेक्शन चेंज करती है और नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती है, जो बिल्कुल ड्राई होती है, और कोस्टल एरियाज में जैसे कुछ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में रेनफॉल करती है। तो ये हमारे जो विंड्स हैं, ये विंड्स की डायरेक्शन भी, हमारे विंड्स की डायरेक्शन भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज जाती है। जैसे विंटर में नॉर्थ ईस्टर्न की ओर चलती है जो ड्राई होती है, लेकिन आपकी जो समर टाइम में अगर देखते हैं, हॉट सीजन में, समर टाइम में जो विंड्स है ये सदर्न से वेस्टर्न की ओर चलती है, जो मॉइस्चर लेकर आती है, जैसे रेनफॉल होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको हमारे एक यूनिफाइड करता है मानसून में मानता है। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ पीपल, दे आर सेलिब्रेट ऑफ द फेस्टिवल्स एंड द अदर एक्टिविटीज। और रेनफॉल के बाद में ये किया कि हमारा जो इंडिया जो है, जो मैनी फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पर बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, कि देर आर द डिफरेंट रिलीजियंस एंड रिलीजियस है, यहाँ पर कास्टिज्म कम्युनिटीज है, कि भारत एक हमारा विशाल देश है, अलग अलग धर्म के लोग, समुदाय, कम्युनिटी, जातियाँ रहती हैं। तो जब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो द लाइफ ऑफ पीपल, तो लोगों का जो जीवन है ना, वे भी चेंजिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मानसून एंड सेलिब्रेट ऑफ द फेस्टिवल्स, और अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। मोस्टली जो रेनफॉल के बाद में, जैसे रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन के बाद में हमारे फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाते हैं, चाहे हमारे गणेश चतुर्थी हो, हमारे रक्षाबंधन हो, हैं रक्षाबंधन हो, या जैसे दीपावली हो, तो अदर एक्टिविटीज। तो इसके साथ में ये भी हमारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, और फेस्टिवल के साथ साथ, क्योंकि फेस्टिवल एक ऐसा है जो हमारी एक कल्चर है, कि जिससे कि हमको एक यूनिटी में बांधता है, हमें इसमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है, एक दूसरे से हम सीखते हैं कुछ हम उससे। तो ये फेस्टिवल्स है, ये भी हमारा मानसून से संबंधित है। और इसके साथ में एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज डिपेंड किए जाते हैं, जैसे ट्रेड्स वगैरह होता है, बिजनेस है, व्यापार है, जैसे दीपावली है, जिस दीपावली को ऊपर नए नए, जैसे कोई अपने कपड़े खरीदना है, कोई नए सामान खरीदना, तो जो पैसा है, पैसे जो रुपए है, वे रुपए ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे से तक, तो उससे ट्रेड भी बढ़ता है, और ट्रेड बढ़ता है तो क्या है कि जो पैसा जो है, जो मनी है, मनी ट्रांसफर होता है, तो उससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको भी कहीं हमको एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। तो अदर एक्टिविटीज जो है, वे भी हमारी अराउंड द मानसून के आगे पीछे रिवॉल्विंग करती है, इसलिए भी हमको एक तरह से यूनिफाई करता है। द मानसून प्रोवाइड्स द वाटर टू सेट एग्रीकल्चर। मानसून आने के बाद में, जैसे रेनफॉल होगी, मानसून आया, और मानसून आने के बाद में हम एग्रीकल्चर के लिए सेट हो जाते हैं। जैसे मोस्टली जून के फर्स्ट वीक में इंडिया में मानसून स्टार्ट हो जाता है, और जुलाई में कंप्लीटली ऑल इंडिया के अंदर मानसून कंप्लीट हो जाता है, मानसून आने जाता है, मानसून कंप्लीटली शुरू हो जाता है। इस प्रकार से तो मानसून जो है, वे एक एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है। जो फार्मर है, फार्मर अपनी तैयारी करने लग जाता है मई के महीने से, मंथ में से, कि हाँ अब जून का फर्स्ट वीक आने वाला, जून के अंदर मानसून का आगमन होगा, तो अपने खेती में जैसे जुताई हुआ खेती, उसकी साफ सफाई करने जाता है, अपने जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको सुरक्षित रख लेता है, उसकी देखभाल करता है, अपने सीड्स वगैरह तैयार करता है। तो इस प्रकार से भी जो एग्रीकल्चर को भी ये एक तरह से प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर के लिए तैयार होता है, कि द मानसून प्रोवाइड द वाटर टू सेट एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर तब होगी तब वाटर प्रोवाइड होगा, और वाटर किससे होगा? वाटर मानसून से मिलेगा, रेनफॉल होगी तो वाटर मिलेगा, जितने भी ट्यूबवेल्स हैं या हमारे कैनाल्स हैं या सोर्स ऑफ वाटर है, वे रेनफॉल से फिलअप हो जाएंगे, तो हमें पर्याप्त पानी मिल जाएगा। द अराइवल ऑफ द मानसून इज द अवेटेड ईगरली। मानसून के आगमन का बड़ा ही उत्सुकता से इंतजार किया जाता है, बड़ा ही हम इंतजार करते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, हाँ मानसून आएगा, मानसून आएगा।
तो बड़ी को यानी कि एक तरह से एक उत्सुकता होती है कि हाँ मानसून, उसका वेटेड करते हैं कि मानसून के आएगा, किस प्रकार से हम अपना सेटलमेंट करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनिक एज द सिंगल रिवर वैली। द रिवर वैली जो नदी घाटियां हैं, नदी घाटियां भी जब रेनफॉल होगी, जब मानसून आएगा, तो मानसून आएगा तभी तो ये जो रिवर्स है, वैली है, ये फिलअप होगी। विच द कैरी दिस वाटर, तो इनसे नहीं पानी आएगा। यूनिट है द सिंगल रिवर, और द सिंगल रिवर से जो केवल जो हमारे 12 मंथ में ब्लोइंग नहीं होती, बहती नहीं है, जैसे सम रिवर्स ओनली द ब्लोइंग ऑन द रेनी सीजन, केवल जो रेनी सीजन है हमारे जो वर्षा ऋतु है उसी में फ्लोइंग होती है, ब्लाइंड होती है, अदरवाइज नहीं। सब रिवर्स आर ब्लाइंड ऑन द होल ईयरली, जैसे गंगा है, यमुना है, ये हमारे पूरे वर्ष में ब्लाइंड होने वाली रिवर्स है। तो रिवर्स वैलीज विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैलीज यूनिट। तो ये जो वाटर वैलीज है, तो ये भी उससे एक यूनिटी का परिचायक होती है, उसको मानती है, जिस प्रकार से मैंने रिवर्स है ब्लाइंड होती है। और कुछ इसके अंदर जो रिवर्स है जो अपना पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और अगर इसी प्रकार से देखते हैं कि जो वाटर डिवाइडेड है, जो हमारा जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, वे भी अनइक्वल है इसमें इंडिया में, क्योंकि ये भी बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे अगर हम मेघालय में देखते हैं, तो मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, मेघालय का जो एक जो खासी जो हिल्स है, खासी का जो एक स्थान क्षेत्र है, मौसिनराम, जो मौसिनराम पहले था चेरापूंजी, अब उसको चेंज हो गया है, अब यह है मौसिनराम, कि वो मौसिनराम है जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है। इसी प्रकार से जो नॉर्थन जो पार्ट है, नॉर्थन पार्ट और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का, जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है और लेह वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही लो रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, और मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया मीडियम रेनफॉल होती है, और जो कोस्टल जो क्षेत्र है हमारे जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ भी अच्छी रेनफॉल होती है। जो मौसम नाम है लगभग 400 से अबव वाले क्षेत्र में आता है, जो लगभग 1080 मतलब 1080 सेंटीमीटर के लगभग मौसम नाम में रेनफॉल का यानी कि मेजरमेंट किया है। जैसे जैसे हम प्लेन्स में देखते हैं, प्लेन्स में देखते हैं कि सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन और सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन अगर देखते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर रेनफॉल में डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम इस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट में हम जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो भारत के जो ईस्टर्न पार्ट से पश्चिम की ओर जो रेनफॉल है वे भी कम होती है। तो ये सब यूनिटीज जो है, ये हमको एक ये कह सकते हैं कि ये मानसून एक जो है हमारा, ये हमको एक तरह से यूनिफाइंग कर रहा है, एक एकता को परिचय दे रहा है, एक यूनिटी में मांग रहा है। तो ये जो हमारे जो फिजिकल फीचर्स है, और जिसको ऊपर मानसून किस प्रकार से अपने इफेक्ट डालता है, जिससे हम कह सकते हैं कि मानसून एज ए यूनिफाइड ऑन आवर कंट्री। तो ये जो थे आपकी ये कुछ फीचर्स थी मानसून एज ए यूनिफाइड बॉन्ड्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसमें कमेंट करना। ओके थैंक यू। बहुत फीस के फॉर्म की लास्ट डेट है, फीस भरनी कौन सी।